अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। आज खुली जीप में चलते हैं। तुम यहां होशियारी से रहना, मैं वहां से निशाना लगा के आता हूं। तुम मुझे ये बताने आए हो कि तुम मंत्री जी को चार कंधों पर उठाने का इंतजाम नहीं कर सके? मुझे माफ कर दो सर। माफ कर दो? माफ ही तो कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत बना देता कि तुम मौत के लिए तरसते, समझे? जाओ और उस मंत्री की बीवी को उठा ले आओ जल्दी। यस बॉस। साला मंत्री बच गया साला। एसपी साहब, जिन बदमाशों ने मेरे भाई को जान से मार डाला उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम उन्हें कहीं भी छुपा दो। तुम अपनी फिक्र करो निकिलाल, तुमने बहुत खून खराबा कर लिया। हाँ, तुमने ठीक कहा एसपी, खून खराबा करना तो हमारा रोज का पेशा है, लेकिन अगर इस बार खून खराबा हुआ तो किसी चौराहे पर सर नहीं फटेंगे बल्कि तुम्हारी आंगन में चूड़ियां टूटेगी। सिर्फ अफसोस इस बात का है कि ये सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। मेरी मौत का अफसोस छोड़ने की लाल, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा। आज जो कुछ हुआ उसे साफ जाहिर है,
कि निखिलाल और उसके साथियों के हौसले ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। इनके खिलाफ अब प्रभावी कदम उठाना पड़ेगा। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं निखिलाल और उसके साथियों का खात्मा कर सकता हूं। खान, मेरी इजाजत नहीं, मेरा ऑर्डर है। इन सब असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द खत्म करो। मंत्री जी, मेरे भाई के मौत से मेरे सीने में जो आग लगी हुई है और उसके शोले शहर में जिस तरह भड़क उठे हैं, इसका एहसास तो तुम्हें हो गया होगा। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है निखिलाल। तुम्हारी भलाई इसी में कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं नहीं मंत्री जी, तुम्हारी ये इच्छा कभी नहीं पूरी होगी, क्योंकि शतरंज की बाजी तो अभी शुरू हो गई है। और हाँ, शतरंज का एक मोहरा तो मेरे पास भी है जो तुमसे बात करने के बहुत बेताब है। लो, अपने अन्नू से बात करो। लो, डोंट टच मी। तुम कितने नीच कमीने हो, मुझे आज पता चला। ओ, तुझे आज पता चला? तुम अपनी बीवी की चीख सुनकर तुम्हारे दिमाग के तार झंझनाए या नहीं है? निखिलाल, तुम इतना गिर सकते हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं कहता हूँ छोड़ दो अनुराधा को। तुम अपने सर से ये देशभक्ति का भूत उतार दो और हमारे साथ मिलकर काम करो, वरना अपने कुर्सी और बीवी दोनों से हाथ धो बैठोगे। ले, समझा अपने सर फिरे पति को, समझा? अनु, तुम ठीक तो हो? आप मेरी फिक्र नहीं कीजिएगा, आपके लिए देश से बढ़कर और कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात का फक्र रहेगा कि मैं एक देशभक्त की पत्नी हूँ। वंदे मातरम। अब तेरा क्या इरादा है बे? सुना नहीं तुमने मेरी बीवी ने क्या कहा? मेरा भी वही जवाब है, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। वंदे मातरम। 24 घंटों के अंदर अंदर हम लोग निखिलाल और उसके साथियों का खात्मा कर देंगे। कौन हो तुम लोग? निखिलाल, तुम? इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कर लो। इतनी जल्दी भी क्या है वाईजेडम खान एसपी साहब, हम खुद चलकर आए हैं तुम्हारे पास, गिरफ्तार कर लेना। लेकिन इससे पहले कुछ ठंडा गरम तो पूछो। इंस्पेक्टर, अरेस्ट। गद्दार। ठहरो ठहरो ठहरो। एसपी साहब, तुमने बहुत दिन तक देश और समाज की सेवा कर ली है, कानून और फर्ज भी बहुत निभाया है तुमने, लेकिन अब तुमसे इन तमगों का बोझ ज्यादा दिन सहन नहीं होगा, इसलिए आज ही मैं तुम्हें इस बोझ से आजाद किए देता हूं। जब दिया बुझने वाला होता है तो उसकी रोशनी पड़ जाती है। ठीक वही हश्र होगा तुम्हारा निखिलाल। तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुमने कानून पर हाथ डाला? इस पिस्तौल में जो गोली है ना, उसकी औकात भी कुछ नहीं है, सिर्फ 25 रुपया। लेकिन जब ये सीने में चली जाती है ना, तो अनमोल जान लेकर बाहर आती है। तूने आज तक बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है एसपी, आज मैं तुझे गिरफ्तार कर रहा हूं। निखिलाल, तू कानून को क्या गिरफ्तार करेगा? कानून ही एक दिन तुम्हें खत्म करेगा। रही जान की बात, वफादार पुलिस ऑफिसर अपने देश की जान भी दे सकते। हेलो, बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहा है एसपी। ए, ले जाए इसको, चल। गधा कहीं का। अरे 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 अरे, इन देशभक्त फौजियों के साथ अंग्रेजों वाला जुलूम बहुत बुरी बात है। आराम ज्यादा ने की पड़ोसी की औलाद, तू एक बार अपने नादमों से हथियार डलवा कर तो देख, फिर मैं बताता हूं तेरा असली बाप कौन है। इन पिल्लों को इतना मारो कि इनके होश उड़ जाए, और तब तक मारते रहो जब तक इनके होश ठिकाने पर आ जाए। अच्छा, तो तू है वो नागी जिसने मेरे भाई को डसा था? आग दिखाती है, है? हाँ, वही मैं कीता हूँ जिसने तेरे भाई को मारा था। तूने मेरे खानदान को खत्म किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हेलो,
हेलो रिश्वत राम जी, मंत्रिमंडल भंग हो गया है और नए नेता का चुनाव कल होगा। अच्छा निखिलाल जी बधाई हो। किस बात की बधाई दे रहे हो? मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया है निखिलाल जी, और कल पार्टी के नए नेता का चुनाव होने वाला। अब आएगा मजा। बड़ा देशभक्त बनता था साला, एक ही झटके में गिर गया ना जमीन पर। कुत्ते निखिलाल, बिल्ली को ख्वाब में छिछुरा ही नजर आते हैं। मैं बिल्ली और कुत्ते को तुम लोगों के इतने छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाने वाला हूँ, मालूम है? पहले उस मंत्री को देखता हूँ। निखिलाल, अगर मंत्री को कुछ हो गया तो याद रखना, मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा, जिंदा दफन कर दूंगा, कमी नहीं। देशभक्त बनते हैं। चलो चलो चलो। ये जो विधानसभा भंग हुई है, इसमें निखिलाल और उसके भ्रष्ट साथियों का हाथ है। जी हां, आप इस पर गौर कीजिएगा। मेरी बात गौर से सुनो, कल नए मंत्री का चुनाव होने वाला है। मैं रिश्वत राम को नए मंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता हूँ। लेकिन निखिलाल जी, मंत्री जी के साथ कुछ और भी तो हैं। हाँ, उसकी चिंता मत करो, हमने सब इंतजाम कर दिया है। मंत्री अगर ज्यादा होशियारी दिखाएगा तो उसकी बीबी और जिंदगी दोनों से हाथ धो बैठेगा। मान गए निखिलाल जी, आपका भी कोई जवाब नहीं। अरे अभी तो हुआ ही क्या है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो मंत्री बनाते हैं, बनते नहीं, क्योंकि हम आजाद पंछी है। दस सालों को मार। नहीं विजय, तुम लोग जाओ, मैं इनके लिए अकेला ही काफी हूं। नहीं टोनी, नहीं, हमारे पास वक्त कम है और इन सब की ताकत बढ़ती जा रही है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं विजय, तुम लोग निखिलाल जैसे गद्दारों का खात्मा कर दो, मैं इनको अकेला ही संभाल लूंगा। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, जाओ। जालिम सिंह, तूने बहुत जुल्म किए, आज मैं तुझे खत्म करूंगा।
जाओ। क्या हो गया विजय? अर्जुन तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। मत करो, तुम जाओ। ओ कुछ नहीं होगा रेखा, कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ तुम लोग, और निखिलाल जैसे देश के दुश्मनों को चुन चुन कर मारो। जाओ तुम लोग, जाओ जाओ। हम तुम्हें यूं अकेला छोड़ के नहीं जा सकते विशाल, हम तुम्हें यूं अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं बंदे, बंदे। मा, मातरम। श्री रिश्वत राम जी आज पार्टी के नए नेता है, क्योंकि मंत्री जी न जाने कहां मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं, इसलिए रिश्वत राम जी के ना चाहते हुए भी हम इस जिम्मेदारी का भार इन पर सौंप रहे हैं। इसलिए मंत्री पद के लिए हम इन्हें निर्विरोध चुना हुआ घोषित करते हैं। हमारे फैसले पर किसी को कोई एतराज हो तो सामने आ जाए। ये तो सरासर बेइंसाफी है निखिलाल जी, ये तो बहुत अन्याय है निखिलाल। ये जबरदस्ती है, ऐसा नहीं चाहा। और किसी को हमारा फैसला मंजूर नहीं तो खड़े हो जाओ। ओ वो देखो छुपे हुए मंत्री और उनके साथी आ रहे हैं। वाह 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 बिजू वाह। आइए आइए मंत्री जी आइए। अरे आपकी हालत किसने कर दी? आपसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, फिर आप देश को कैसे चलाएंगे? हाँ दूसरे लोगों को मौका दीजिए देश की सेवा करने का। निखिलाल मैंने तुझ जैसा जलील और कमीना आदमी आज तक नहीं देखा, और देखने के लिए अब जिंदा भी नहीं रहोगे। चंद सर फिरे लड़कों की भीड़ इकट्ठा करके हुकूमत नहीं बदला सकते मंत्री जी। तख्त और ताज हासिल करने के लिए दौलत और ताकत की जरूरत होती है। दौलत का करिश्मा तो तुम देख चुके हो, रही ताकत वो भी देख लो। हरामजादे! अरे खान साहब, अभी तक तो मैंने तुम्हारा गला भी नहीं दबाया, फिर तुम्हारी आंखें कैसे बाहर निकल आई? तुम जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की खिदमत में क्या पेश किया जाए? हाँ क्या किया जाए? क्यों फौजी, क्या इरादा है? अरे तू जरा मेरे हाथ तो खोल दे, फिर मैं तुझे मेरा इरादा बता देता हूँ। अच्छा देखो अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। तुझ जैसे खटिया आदमी की बात मान लेने से तो मैं मर जाना बेहतर समझता हूं। काश मैं कानून के हाथों मजबूर ना होता तो आज तुम्हारा इतिहास कुछ और ही होता। इतिहास तो मैं लिखूंगा तेरा। निखिलाल! ए, अंदर मत आओ। बिरजू बिरजू संभाल। आपका कहा है निखिलाल? एसपी साहब इसे खोल बाबा। चलिए बाबा चलो। Oh!
इतनी आसानी से तुझे मरना नहीं दूंगा निकिलाल। अभी तो मुझे अपने भाई जैसे दोस्त विशाल की कुर्बानी का कर्जा तकना है। कुत्ते, ये मेरे भाई जैसे दोस्त तोड़ने का है। निकिलाल, ये मेरे बाबा मौसी और बहन की मौत का बदला। राम सदे निकिलाल, आज तेरे सर को भाई साहब हमने। चल गीता, बिला इस कुत्ते को। आज तेरे जुल्मों का अंत है निकिलाल। खान साहब, ये देश के सच्चे भाई। थैंक यू सर। इनका जोश देख के मुझे यकीन हो गया कि अपने देश का भविष्य उज्जवल है। अपने बाबा से मिलो। बाबा शाबाश बेटे, तुम लोग हमेशा देश का नाम रोशन करो। बहुत अच्छे।